दूसरे दिन तालाब में उतराती मिली लाश। सोते समय घर से गायब मासूम की लाश दूसरे दिन घर के पास स्थित तालाब में उतराती हुई मिली। जानकारी होने पर पहुंची मेजा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहर भेज दिया। मेजा थाना क्षेत्र के पट्टीनाथ राय गांव निवासी चंदन कुमार का बेटा सिद्धांत उम्र 5 वर्ष शनिवार की भोर में सोते समय घर से गायब हो गया था। काफी खोजबीन के बाद गायब मासूम का कुछ पता नहीं चला तो पिता ने शनिवार को दोपहर थाने जाकर बेटे के गायब होने की लिखित तहरीर दी। खोजबीन के दौरान रविवार के शाम घर के पिछवाड़े स्थित तालाब में सिद्धांत की लाश उतराती हुई दिखी। घर वालों द्वारा पुलिस को मासूम के तालाब में उतराती हुई मिलने की जानकारी दी गई। जानकारी होते ही थानाध्यक्ष मेजर राकेश चौरसिया के साथ जेवनिया चौक के इंचार्ज सुशील दुबे और सिरसा चौक के इंचार्ज दिनेश कुमार मिश्र पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पहुंचते ही पुलिस टीम ने आवश्यक जानकारी जुटाने के साथ शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शहर भेज दिया। बेटे की मौत से पिता और माता सहित घर वालों का रोते रोते बुरा हाल था। उमेश चंद्र सोनी, समाचार इंडिया न्यूज चैनल, प्रयागराज। हम 3 बजे भोर गए थे, 3 बजे मुतावे चला गए हम, और अम्मा मरे उठ के वो आईने जगाईने लगवा छोड़ के हम पलटी लेके भागे। फिर 10-15 मिनट के बाद हमने तुरंत वापस आवा, लाइटिया बुतिया देख आवा तो बत्तिया जलावा लड़के हो। कौन देखा कितनी लहर करा है? बगल ये देखे ना, बताए इस तरफ के देखे तब बताए न दाम कहा देवती रानंद देखो। आप कौन है बच्चे से? पिताजी हैं साहब जी। नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? नाम चंदन है। मामला क्या था ये पूरा बताए? नहीं, ये चंदन के चंदन पासी हैं, उनके लड़का है ये। उनके 3 लड़के हैं, एक 7 साल का, एक 5 साल का, एक 3 साल का। ये 5 साल वाला लड़का है। इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी। ये बड़े मिशन मिलनसार मजदूरा तबके के आदमी थे। ये 13 तारीख के 3 बजे तब से ये लापता। तो आज ये बस्ती में ही एक छोटी सी गढ़ी है, उसी में ये मिला। एक बगल के ही एक छोटी सी बच्ची है, 7-8 साल की रही होगी, तो घर की कूड़ा उड़ा फेंकने आई थी उसमें। तो उन्होंने देखा तो ये तो उभरा हुआ था, डेड बॉडी ऊपर थी। तब वो चिल्लाई तो सब अगल बगल के गए, सब घर वाले भी गए, तब फिर प्रशासन को सूचना दी गई। आपके राजकुमार भाट।